दर्ज भी की गई है। तो इस वक्त की बेहद बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वार्ड नंबर 5 से जिला पंचायत सदस्य की उम्मीदवार के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। तो भाजपा प्रत्याशी ने बिना अनुमति के जनसभा का आयोजन किया, उस पर FIR दर्ज की गई है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विजय सोलंकी इस वक्त फोन लाइन पर लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, क्या है पूरा मामला? विवेक, हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के वार्ड नंबर 5 के जिला पंचायत प्रत्याशी हेमलता से जुड़ा भाई बब्बू मुकदमा दर्ज हुआ। नहीं तो ये क्यों मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या इसमें आचार संहिता का उल्लंघन था, कहाँ का ये पूरा मामला था? वार्ड नंबर 5 के भाजपा समर्थित हेमलता से जुड़ा एक सभा का आयोजन किया, जिस कोई परमिशन नहीं होने पर यह मुकदमा मुकदमे में करीब 6 लोग संहिता के मामले में और करीब 50 सबसे बड़ा मुकदमा दर्ज हुआ है। तो ये जानकारी हम लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है कि भाजपा प्रत्याशी ने अनुमति नहीं ली थी, इसके साथ मास्क भी नहीं लगाया गया था। विजय, दो अलग अलग मुकदमे दर्ज हुए हैं जिसमें COVID-19 का उल्लंघन है और एक आचार संहिता का उल्लंघन है, किस तरीके से है पूरा मामला? ये पूरा मुकदमा लिखा गया है COVID-19 का उल्लंघन और आचार संहिता के मामले में यह मुकदमा दर्ज हुआ है। सबसे पहले मुकदमा आगरा क्षेत्र में सबसे पहले यह मुकदमा गया है आचार संहिता का उल्लंघन करने पर और COVID-19 का उल्लंघन करने पर। करीब एक आयोजन किया जाता है हजार से लोगों की भीड़ होती है जिसमें से करीब 50-60 लोगों पर यह मुकदमा लिखा जा और COVID-19 के अलावा आचार संहिता के मामले में पर मुकदमा दर्ज किया गया। हेमलतकर मुकदमा दर्ज है, इनके अलावा चार लोग और भी हैं जिनका आचार संहिता मुकदमा दर्ज है। बिल्कुल विजय, जैसे हम लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि चार लोगों ये 50-60 लोगों पर अज्ञात के खिलाफ COVID-19 का मुकदमा दर्ज किया गया है और इसके साथ ही जो मुकदमा दर्ज इनके खिलाफ किया गया है उसमें इन्होंने बिना अनुमति के सभा का आयोजन किया। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, भाजपा प्रत्याशी पर आचार संहिता उल्लंघन की FIR दर्ज कर ली गई है। तो ये पूरा मामला आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया है, इसके साथ ही COVID-19 प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन किया गया है, यानी कि सरकार की गाइडलाइंस को उसी के पार्टी के लोग नहीं मानते हैं। अगर इस तरीके से COVID-19 लगातार जिस तरीके से बढ़ रहा है और आगरा में 60 से 70 से 100 मरीज प्रतिदिन का जो रेशियो निकल कर आ रहा है, 70-80 मरीज पर डे निकल कर आ रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर चुनाव में सरकार के नियमों का उल्लंघन खुद सरकार के प्रत्याशी यानी सत्ताधारी दल के प्रत्याशी करेंगे तो उसके बाद स्थिति होगी क्या? तो इस वक्त बड़ी खबर जो हम आपको दिखा रहे हैं कि भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ COVID-19 के साथ साथ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन की FIR दर्ज की गई है, इसके साथ ही 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी ये FIR दर्ज की गई है। इसमें भाजपा प्रत्याशी हेमलता चौहान है के साथ ही उनके पति बबलू चौहान पर भी FIR दर्ज की गई है। अब आप देखिए सत्ता का घमंड कितना है कि ये अपने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं और प्रचार प्रसार के लिए जो अनुमति प्रशासन से ली जाती है वो भी नहीं ली जा रही। तो आगरा के वार्ड नंबर 5 से प्रत्याशी हेमलता चौहान उनके पति सहित 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कुल मिला के 8 लोगों के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन और 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुखिया भी COVID-19 के लिए लगातार अपील कर रहे हैं, लेकिन उसी पार्टी का एक प्रत्याशी किस तरीके से कोविड को ठेंगा दिखा रहा है और लोगों के लिए खुद एक आफत बनता जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से